एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दे रखे हैं, तो वहीं दूसरी ओर थाना रकाबगंज बिजली घर चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर ही अवैध वसूली का खेल जारी है। आपको बता दें कि यह पूरा अवैध वसूली खेल छावनी वार्ड की पार्किंग के रसीद के साथ खेला जा रहा है। छावनी वार्ड की पार्किंग आगरा फोर्ट स्टेशन के सामने सड़क के उस पार है। कायदे से ठेकेदार सड़क के उस पार ही वाहन पार्किंग में लगातार पार्किंग की रसीद दे सकता है, मगर यहां पर ठेकेदार वसूली नहीं करते, जिसके नाम में ठेका आवंटन है वह कभी वाहनों से आकर वसूली नहीं करते। इस ठेकेदार ने अपने गुर्गों को वसूली के लिए लगाया हुआ है और ये गुर्गे जिनकी संख्या दो है, इसमें से एक गुर्गा गुलजार रिक्शा चालक से अवैध वसूली करते हुए कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही गुलजार की नजर कैमरे पर गई तो वह रिक्शा चालक को रुपए देकर भाग खड़ा हुआ। मौके पर मौजूद ऑटो चालकों ने बताया कि दो व्यक्ति वसूली करते हैं और न देने पर मारपीट करते हैं। भाई के पैसे मांग रहा है, भाई के हैं, गाय का ठेका, रोड पे कौन ठेका लग रहा है आपका? मैं ठेका, मैं हैं, रोड ठेका मैं आपका, कैसे लेता है ठेके के? ये लेता है, क्या पैसे लेता है? 20 रुपए राजीव से लेता है, जबकि इनकी वसूली का क्षेत्र आगरा फोर्ट के सामने बनी पार्किंग है। यहां तक कि इन दबंगों ने पार्किंग के अंदर एक ढाबा भी खुलवा दिया है, जो कि पार्किंग आवंटन के विपरीत है। पार्किंग की आवंटन की शर्तों के मुताबिक इस पार्किंग में सिर्फ बाहर खड़े हो सकते हैं, न कि किसी ढाबे को संचालन की अनुमति है। फिर भी दबंग छावनी बोर्ड की पार्किंग में अवैध ढाबे का संचालन बेखौफ करवा रहे हैं। अब देखना है कि बाकी सुशासन का दावा करने वाले प्रशासन के अधिकारी ऑटो चालक और वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वाले गुलजार और उनके साथी के खिलाफ क्या कार्यवाही करते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।